अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो कैनवा का बेसिक डैशबोर्ड ओवरव्यू है उसके अबाउट बात करेंगे और मैं आपको एक जनरल सा ओवरव्यू दूंगा कैनवा का, राइट, कैनवा के डैशबोर्ड का। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे देखें, हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन है टॉप के ऊपर और लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस है, और यहाँ दरमियान में कुछ ऑप्शंस हमारे पास नज़र आ रहे हैं जो कि शॉर्टकट हम इन्हें कह सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इनको डिस्कस कर लेते हैं टॉप वालों को। तो यहाँ पे देखें, एक मेन्यू हाइड और मेन्यू शो का ऑप्शन है, राइट, ये वाला मेन्यू अगर आप हाइड करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास कुछ रिसोर्सेज हैं कैनवा की तरफ से, इनको आप देख सकते हैं, इनवाइट योर टीम, मतलब कुछ शॉर्टकट्स हैं अगर डायरेक्टली आप लोगो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, फ्लायर डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, तो डायरेक्टली इन पर क्लिक करके उनके आर्ट बोर्ड जो है वो आप ओपन कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे फिर मज़ीद कुछ रिसोर्सेज हैं, यहाँ पे कुछ प्राइसिंग प्लान्स हैं, और यहाँ पे कैनवा की तरफ से कुछ और रिसोर्सेज हैं लर्निंग मटेरियल के, अगर आप सीखना चाह रहे हैं कैनवा के अबाउट बहुत ज़्यादा डीपली। तो इस कोर्स के अंदर भी मैं आपको तकरीबन 1-2 सारी चीज़ें ही सिखा दूंगा, मज़ीद इनको जाके आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक आइकन है, अगर आप इसको डायरेक्ट डाउनलोड करना चाह रहे हैं कैनवा को अपने पीसी या मैक के अंदर, जिस तरह से इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप को करते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, अकाउंट की सेटिंग्स कर सकते हैं आप। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखें, हम अपने प्रोफाइल का नेम और ये सारी चीज़ें, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड कर सकते हैं, ये सारे काम आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन है वो बहुत मेन ऑप्शन है, ये क्रिएट डिज़ाइन का। इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, आपको क्या डिज़ाइन करना है आप सिंपल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और डायरेक्टली उसी तरह का एक आर्ट बोर्ड आपके सामने शो हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है हमारे पास कस्टमाइज साइज़ का, अगर इनके अलावा कोई और साइज़, कोई और डिज़ाइन आप करना चाह रहे हैं तो इस पर क्लिक करके आप साइज़ और विड्थ और हाइट देंगे और उसके बाद क्रिएट डिज़ाइन कर देंगे यहाँ से, तो उसी तरह का आर्ट बोर्ड खुल जाएगा उतने ही साइज़ का, राइट। अगर मैं इसको करूँ, और इसके अलावा अगर कोई ऐसी चीज़ जो कि आपको यहाँ पे नज़र नहीं आ रही और आप वो डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, लेट्स सपोज चैनल आर्ट मुझे डिज़ाइन करना है, तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, राइट, चैनल आर्ट, और यहाँ पे देखें चैनल लोगो, चैनल आर्ट, तो इनसे जो भी आप क्लिक करेंगे उसी तरह के टेम्पलेट्स और उसी तरह का आर्ट बोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास अगेन वही अकाउंट सेटिंग्स हैं जो यहाँ से आ रही थी, और कुछ और ऑप्शंस हैं गेट हेल्प के, यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। तो ये थे टॉप के ऑप्शंस। अब आ जाते हैं ज़रा हम लेफ़्ट साइड वाले ऑप्शंस पे। यहाँ पे हमारे पास होम है जहाँ पे हमारे पास ये सारी चीज़ें शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं टेम्पलेट्स के। कैनवा के अंदर बहुत सारे जो है वो टेम्पलेट्स मौजूद हैं, प्री बिल्ट, प्री डिज़ाइंड, जिनको आप क्या कर सकते हैं, जस्ट क्लिक के ज़रिए एडिट कर सकते हैं और उनके अंदर अपने डिज़ायर्ड कंटेंट, अपने डिज़ायर्ड इमेजेस वो सारी कर सकते हैं। यहाँ पे देखें बहुत सारी अनलिमिटेड टेम्पलेट्स यहाँ पे मौजूद हैं हर कैटेगरी की। लेट्स सपोज यहाँ पे मैं फ्लावर लिखता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, फ्लावर के जो वो हैं टेम्पलेट्स आ जाएंगे जिनको मैं बाकायदा ईजीली एडिट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें, ठीक है, इनको जस्ट वन क्लिक के ज़रिए मैं एडिट कर सकता हूँ। वापस चलते हैं, हमारे पास यहाँ पे फिर एक और ऑप्शन है प्रोजेक्ट्स का। यहाँ पे आपको वो प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे जो आपने किए हुए हैं या जिन पे आप काम कर रहे हैं, राइट, जो आपने या कंप्लीट करके डाउनलोड कर लिए वो सारे आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास कुछ टूल्स हैं जो कि कैनवा प्रो वर्जन के अंदर है, ये भी मैं आपको दिखाऊँगा जब मैं प्रो वर्जन पे वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, उसके अलावा यहाँ पे मॉकअप है जो कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, स्मार्ट मॉकअप। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, किसी भी तरह का मॉकअप डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने डिफरेंट मॉकअप्स देखे होंगे, यहाँ पे अपना लोगो, अपनी वेबसाइट का या किसी भी चीज़ का, प्रोडक्ट का आप डिज़ाइन लगा सकते हैं, राइट। उसके बाद क्रिएट टीम, अगर आप किसी को इन्वाइट करना चाह रहे हैं अपने डिज़ाइन को एडिट या एक्सेस करने के लिए, तो यहाँ से आप वो कर सकते हैं। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था कैनवा का डैशबोर्ड का, और यहाँ पे इन सारे ऑप्शंस को हम वन बाय वन क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे और इनको यूज़ करके देखेंगे। तो आई होप आपको समझ आई होगी। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियोस आपको टाइमली मैनर्स में मिलें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।